तो ये 10वां क्वेश्चन आपने लगा लिया है। अब आगे बढ़ते हैं हम, देखिए 11वें क्वेश्चन पे आते हैं। एक बाइकॉन्वेक्स लेंस है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, बाइकॉन्वेक्स लेंस है, याद रखिएगा बाइकॉन्वेक्स लेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है जी इसका 1.5, पावर बताना है। पावर क्या होता है, अगर डायरेक्टर में चाहिए 100/f, अगर इसको सेंटीमीटर में लाते हो यानी f ले आओ काम हो जाएगा। f का फॉर्मूला आपको याद होगा r बाई में 2 म्यू माइनस 1, अगर आप यहां से निकालोगे तो r की वैल्यू 20 है, सेंटीमीटर में 2 इंटू में 0.15 में से 1 घटाओगे 0.5 आ जाएगा, इट विल बी 20, यहां से 100 बाई में 20 एंड दिस विल बी 5 डायोप्टर, प्लस 5 डायोप्टर आएगा क्योंकि प्लस में होता है। आगे बढ़ते हैं, इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन इफ द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इनपुट फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज देन आउटपुट फ्रीक्वेंसी, याद करिए रिपल्स बनती थी, पढ़ाया मैंने जंक्शन डायोड में रिपल बनती थी। हाफ वेव में जितने आपके इनपुट जाएंगी वेव्स उतनी ही आपको रिपल्स मिलेंगी, तो फ्रीक्वेंसी रिपल की सेम मिलती है यानी 60 का 60 मिलेगी। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एक स्टूडेंट ऑब्जर्व 8 फ्रिंजेस इन सर्टेन सेगमेंट ऑफ स्क्रीन एंड द मोनोक्रोमेटिक 600 नैनोमीटर वेवलेंथ, द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज चेंज टू 400 एंड देन नंबर ऑफ फ्रिंजेस ही वुड ऑब्जर्व इन द सेम रीजन ऑफ स्क्रीन, सेम रीजन मान लो एक्स रीजन है, पहले n फ्रिंजेस ऑब्टेन हो रही थी तो n फ्रिंजेस nd लैम्डा बाय d हो गई, बाद में n डैश ऑब्जर्व होने लगी तो nd लैम्डा डैश बाय d हो गई, ये लीजिए d बाय d कैंसिल हो गया, यहां पर जो फ्रिंजेस पहले ऑब्टेन हो रही थी 8 हो रही थी और कितनी थी वेवलेंथ 600 नैनोमीटर, n डैश अपने को निकालना है और यहां से 400 नैनोमीटर हो गया, ये 0 2 0 काट दिया हमने, 4 2 8 हुआ, 6 2 12 हुआ, यानी 12 फ्रिंजेस उतनी ही दूरी में आ जाएंगी। ठीक है आगे बढ़ते हैं, अरे आंसर से थर्ड चला जाएगा राइट। 14 क्वेश्चन बहुत आसान, चूरन कहता है 30 डिग्री और 35 डिग्री है, ये दो पार्टिकल है जिनका डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है, इसका स्लोप आपको क्या देता है, इसका स्लोप भी तो वेलोसिटी देता है, ये पहला वाला है ये दूसरा वाला है, दोनों की वेलोसिटी का रेशियो चाहिए तो v1 tan 30 हो जाएगा है ना, और v2 क्या होगा tan 45, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो रेशियो आ गया ये थर्ड वाला आंसर आ जाएगा, तो रेशियो ऑफ दियर रिस्पेक्टिव वेलोसिटी, याद रखिएगा रिस्पेक्टिव लिखा है रिलेटिव वेलोसिटी नहीं कर दीजिए, ठीक है 30 डिग्री और 45 डिग्री, तो 30 डिग्री और 45 डिग्री। ठीक आगे बढ़ते हैं, यहां पर है द डायमेंशन ऑफ एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू किसका होगा, तो भाई और बहनों यहां पर आपको पता होना चाहिए वे मैग्नेटिक परमिबिलिटी का डायमेंशन फॉर्मूला है राइट, नहीं याद है तो निकालना पड़ेगा, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। उसके बाद आता है लेट T1 T2 बी द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल ऑफ एन एटम द रेशियो ऑफ T1, T1 और T2 का रेशियो पूछ रहा है भाई और बहनों, एक बात समझ लीजिए T1 T2 एनर्जी है, अगर आपको याद होगा हाइड्रोजन एटम की टोटल एनर्जी माइनस 13.6 एन जेड बाई में एन स्क्वायर होता है ना, मतलब एन स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एन स्क्वायर यहां हो जाएगा N1 स्क्वायर, यहां हो जाएगा N2 स्क्वायर, ठीक बात है क्योंकि ये नीचे आ जाएगा। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि फर्स्ट एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट यानी N1 का फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब ये 2 है और N2 सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब ये 3 है, ये ध्यान देने वाली बात थी यहां पर, तो ये 9/4 आएगा आंसर में, ठीक 13 माइनस 13.6 स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये होता है एन के इन, अगर आप हाइड्रोजन का लिखते थे तो याद करिए माइनस 13.6 बाई में एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखते थे, वही है ठीक है, एन स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एनर्जी, और एक्साइटेड स्टेट पर ध्यान देना था आपको फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n बराबर 2 और सेकंड का मतलब 3, ठीक है आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। दो ऑब्जेक्ट है, मैंने बताया था रिवीजन के दौरान चीख चीख के आप लोगों को कई बार मैंने बताया कि दो मास है रिस्पेक्टिवली कनेक्ट किए गए हैं, एक लेंथ 10 मीटर की रॉड से नेग्लिजिबल मास है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास बताना है, ये रहा 10 kg, ये रहा 10 kg, ये रहा 20 kg और ये रहा जी रॉड, रॉड कितने मीटर की 10 मीटर की, ठीक है सेंटर ऑफ मास 10 केजी से पूछ रहा है, यहां से पूछ रहा है, चलो कोई बात नहीं जी यहां हम x कर देते हैं, यहां से 10 - x हो जाएगा, मैंने बताया था आपको अगर फार्मूला आएगा तो m1r1 = m2r2 से जाके अब देखिएगा, उसमें भी मैंने बताया था, तो 10 × x = कितना हो जाएगा 20 × 10 - x राइट, ये कैंसिल हो गया और आप x बराबर क्या कर लोगे
2 अंदर घुसा दो 20 - 2x, यस, तो x बराबर 20/3 मीटर आ जाएगा। ठीक बात है, ये लो कंफर्म, कोई दिक्कत की बात नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। व्हेन लाइट प्रोपेगेट्स थ्रू अ मटेरियल मीडियम द रिलेटिव परमिटिविटी दिस ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका और मैंने क्लास में करवाया भी है आप लोगों को। भाई और बहनों आपको याद है कहीं पर भी वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा √1/μ/ε। अच्छा म्यू क्या होता है, म्यू क्या होता है जरा बताएं। म्यू होता है रिलेटिव परमिटिविटी और वैक्यूम की, रिलेटिव परमिटिविटी और वैक्यूम की। अच्छा 1/μ0/ε0 किसके बराबर जाता है, सी के बराबर, और ये अंडर रूट में μr/εr आ जाता है, तो सी बाई में μr/εr, दैट इज द आंसर, आंसर इज थर्ड। पूछा जा चुका है ऐसा क्वेश्चन भाई बहनों। आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन चल रहा है। टू रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 100 and 200 ohm आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू इलेक्ट्रिकल सर्किट, द रेशियो ऑफ थर्मल एनर्जी डेवलप्ड इन 100 and 200 पैरेलल में जोड़ा गया। ध्यान दीजिएगा पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो थर्मल एनर्जी का जब भी हमको लिखाना है तो V²/R(T) देखना है, तो V सेम है, R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो भैया H1/H2 किसका किसका पूछा, रेशियो 100 to 200, तो 100 वाला नीचे आ जाएगा और 200 वाला ऊपर चला जाएगा, रेशियो उलट जाएगा, 2/1 हो जाएगा, आंसर इज 1। V²/R हीट प्रोड्यूस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है आगे बढ़ते हैं। If the initial tension, 20वां नंबर क्वेश्चन, if the initial tension of stress is double, then ratio of initial and final speed of the transverse wave along the, अरे भैया मैंने फॉर्मूला में बताया था √T/μ के बराबर होता है वेलोसिटी, याद करिए, तो टेंशन के अंडर रूट के डायगनली प्रोपोर्शनल है, तो V1/V2 पहले कितना था भैया, T था, अब कितना कर दिया, 2T कर दिया, टेंशन जो था वो डबल कर दिया गया, तो ये लो T उड़ गया कि नहीं उड़ गया, तो 1/√2 आ गया, राइट, आंसर इज सेकेंड। बहुत आसान क्वेश्चन है, राइट, क्लियर है, बहुत आसान है जी।